नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में 300 यूनिट बिजली फ्री से 6000 रुपए पेंशन करने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, बोले संतुलन ही सर्वश्रेष्ठ। फ्री की घोषणा के बाद पंजाब बना बीमारू राज्य, श्रीलंका के हालात सब देख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में भाजपा कार्यकर्ता 10 लाख परिवार तक पहुंचेंगे। देश की आजादी के लिए 3,27,000 लोगों ने दी कुर्बानी। रेवाड़ी में शक्ति केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बूथ लेवल तक संगठन को किया जाएगा मजबूत। शक्ति केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण कार्यशाला में पंचायत व निगम चुनाव की तैयारी व जीत का दिया मंत्र। कुलदीप बिश्नोई द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के सवाल पर कहा, कुलदीप आना चाहते हैं भाजपा में। ऐसे में जिस तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आने चाहते हैं, जब ज्वाइन कराएंगे आपको बता दिया जाएगा, ऐसे में सवाल है कि क्या भाजपा कुलदीप बिश्नोई को नहीं लेना चाहती। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद किस तरह से भाजपा नेताओं के साथ तारतम्यता बैठा पाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी में शक्ति केंद्र प्रमुख प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कहा। पूरे हरियाणा में शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशालाएं चल रही है। आज ये अभी 5वीं कार्यशाला है, 6वीं में मैं जा रहा हूँ। 3 कार्यशालाओं के प्रशिक्षण शिविर कल हो गए, 3 के आज हो रहे हैं, प्रतिदिन 3 है, 10 तारीख तक चलेंगे। इनमें जहाँ नीचे तक संगठनात्मक संरचना को खड़ा करना, बूथ लेवल पर आगामी जो पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, कुछ स्थानों पर नगर निगम के चुनाव भी होंगे, उसकी तैयारी। विभाजन जो देश का हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसमें 10 लाख लोग चले गए थे, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए थे। उस विभाजन की विभीषिका की स्मृति में एक कार्यक्रम होंगे, उनकी तैयारी। और जो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, राष्ट्रीय ध्वज हर घर पे फहराया जाए, 3,27,000 लोगों का रिकॉर्ड है इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए, उन सबको याद करते हुए जिन शहीदों ने इस देश की आज़ादी को रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया, जैसे 62 का युद्ध था, मेजांगला के वीर थे, 71 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, विभाजन के समय कुछ लोग शहीद हो गए थे कश्मीर में, कारगिल में लोग शहीद हुए, उस समय 100 लोग हरियाणा के शहीद हुए थे, और आतंकवादियों से लड़ते हुए बहुत लोग शहीद हुए हैं। उन सबकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए, सबको भावांजलि देते हुए, गर्व और गौरव के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जुम्मे 10 लाख परिवार में हर बूथ पर 50 परिवारों में ध्वजारोहण का दायित्व दिया है, तो उसकी भी तैयारी के लिए हमारी ये कार्यशालाएँ चल रही हैं और उसी के निमित्त में आगे बढ़े। सर, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया, किस तरह से कहते हैं बीजेपी ज्वाइन करने? भारतीय जनता पार्टी वो आना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है और जो वो ज्वाइन करेंगे आपको समाचार मिल जाएगा। सर, कांग्रेस के चिंतन शिविर कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उन्होंने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर बिजली फ्री की बात करें या फिर पेंशन की बात करें, ऐसी क्या आप किस तरह से देखते हैं इसको? हर पार्टी कोई ना कोई अपने मुद्दे लेकर आती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि संतुलन ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल और केवल बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसको मैं कहूँगा कि आप सस्ती देने के लिए लोकप्रियता अर्जित करते हो तो उससे भी इकोनॉमी पर असर पड़ता है, बहुत चीज़ें लोगों को महंगी मिलती हैं तो उससे भी असर पड़ता है। तो उस नाते से जब आप इस रास्ते पर जाते हो तो राज्यों की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। जो पंजाब आज एक बीमारू राज्य है, पंजाब का कुल बजट हरियाणा से कम हो गया है, पंजाब का जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है जो पैसा विकास पर खर्च किया जाता है, वो हरियाणा से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इस नाते से हम लंका का, श्रीलंका का पड़ोस में हाल देख रहे हैं, इस नाते से जो सही मार्ग है वो संतुलन है, जिन जहाँ जिनको ज़रूरत है वहाँ सहयोग होना और जहाँ लोगों की चीज़ें पहुँच में रहना। लेकिन राजनीति के लिए इस प्रकार से इकोनॉमी में इस चीज़ की तरह की चीज़ें जो है वो एक सीमा से अगर अधिक जाती हैं, संतुलन को तोड़ कर जाती हैं, तो निश्चित रूप से राज्यों की इकोनॉमी जो है उससे जो है असंतुलित होती है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा वो हर क्षेत्र में काम आता है, संतुलन ही सर्वश्रेष्ठ है।